जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेर न्यूज, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी सीपीओ के लिए। आप सबको पता है 5 जुलाई को सीपीओ की जो आंसर की है वो आ चुकी है, फाइनल आंसर की नहीं है, ध्यान रखना, केवल संभावित आंसर की है। आप सबने देख लिया होगा जो की 5 जुलाई से 7 जुलाई तक 8 जुलाई तक अवेलेबल था, आप सबने देख लिया होगा। अब इसका जो अगला फेज है वो है फिजिकल, यानी फर्स्ट पेपर, जो जो बच्चे क्वालिफाई होंगे आंसर के हिसाब से आपने कट ऑफ का भी अनुमान लगा लिया होगा, पिछली जो कट ऑफ है उसको लेकर कि हाँ इस नंबर वाला तो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन ये लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, ये लिस्ट अगले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर जारी हो जाएगी। और जो आपका फिजिकल है वो कब तक होगा, साथ ही आप सबको मैं बता दूं फिजिकल में जो सीपीओ की जितने भी बच्चे जिनके पेपर में अच्छे नंबर है, इसके जो फिजिकल होता है उसमें क्या क्या होता है लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, और आप कितने दिन में इसकी जो तैयारी है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्पेशली जो भी बच्चे जो सीपीओ क्वालिफाई हुए हैं, आप सबको नॉर्मली तो पता ही होगा फिजिकल के लिए, क्योंकि आप पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बता दूं 1600 मीटर की जो रनिंग है वो होती है लड़कों के लिए, जिसके लिए समय होता है 6.5 मिनट का, 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट का समय, और हाइट है 170 सेंटीमीटर। आप सबको पता है मापदंड ये फिक्स है, चेस्ट लड़कों का 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट होता नहीं है, और जो हाइट 157 सेंटीमीटर, 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट का समय। इसके अलावा लड़कों में 100 मीटर की रनिंग होती है जिसके लिए 16 सेकंड का समय मिलता है, लड़कियों में 100 मीटर की रनिंग होती है जिसके लिए 18 सेकंड का समय मिलता है। इसके अलावा इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप ही है, लड़कों के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है, और उसके साथ में जो हाई जंप है वो 3.75 यानी 3.75 यानी पूर्ण 4 फुट का आपका हाई जंप भी है। लड़कियों के लिए जो हाई जंप है ये है लगभग 3 फीट का। तो अब जिनको भी तैयारी करनी फिजिकल की, मैं आपको बता दूं आपके पास में लगभग अभी भी 30 से 45 दिन का समय अवेलेबल है, अगले 30 से 45 दिन बाद में ही इसका फिजिकल पॉसिबल है। आप सबको पता है एसएससी जीडी वाला फिजिकल भी अभी पेंडिंग चल रहा है, और उम्मीद यह है कि ये उसके साथ ही फिजिकल होगा, तो उनका जो फिजिकल है वो भी अगस्त 15 के बाद में शुरू होने के चांसेस है, आपका भी उसी समय शुरू होने के चांसेस है। तो आपके पास में भी 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का समय है, और कुछ बच्चों को इससे ज्यादा समय भी मिल जाएगा। इस दौरान आप आराम से यानी बिल्कुल आसानी के साथ में आप क्वालिफाई कर सकते हैं फिजिकल के लिए, अगर आप 30 दिन भी तैयारी करते हैं फिजिकल की। आपको बता दूं सीपीएसआई के हमारे यहाँ अकेडमी में भी फिजिकल बेस शुरू हो चुके हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, अकेडमी आकर तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके हाई जंप नहीं हो रहा, लॉन्ग जंप नहीं हो रहा, ये आपकी रनिंग नहीं हो रही है, तो अगर 30 दिन आप हमारे साथ तैयारी करोगे उसके बाद में जब आप अपने आप को देखोगे तो 100% आप फिजिकल क्वालिफाई पाओगे अपने आप। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।